मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। एक बेटी को कुछ दरिंदों ने सिर्फ इसलिए जला दिया कि उसने ज़बरदस्ती शादी से इनकार कर दिया था। बिहार के वैशाली ज़िले में एक बिटिया को सतीश कुमार और चंदन कुमार नाम के दरिंदे केरोसिन का तेल डालकर इसलिए जला देते हैं क्योंकि वो लड़की इनके जबरिया शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। हमने वो सारी तस्वीरें और वीडियोस आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें उस बिटिया ने कहा था कि इन दोनों ने मुझे जलाया है। बिहार में चुनाव के समय इन दरिंदों ने यह घटना अंजाम दी, लेकिन मुख्यधारा मीडिया से पूरे मंसूबाबंद तरीके से छिपा दिया गया ताकि जनता कहीं आक्रोशित ना हो जाए और सरकार की गलत नीतियाँ जाहिर ना हो जाएँ। लेकिन कल उस बेटी ने दम तोड़ दिया। लड़की के पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अनचले उस बेटी को परेशान किया करते थे। लड़की ने मना किया तो दरिंदे ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। शुरू में प्रशासन ने अनदेखी की और उस बेटी को इंसाफ दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। 80% तक जल चुकी इस गुड़िया के मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामले को दबा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन अब तक खामोश बना हुआ है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल रात में इस गुड़िया की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस बेटी की इंसाफ के लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला जाता। इंसाफ की बातें करने वाले आज कहां सो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पढ़ेंगी बेटियाँ तो बढ़ेगी बेटियाँ, लेकिन आज इसके उलट हो रहा है। पहले इन खूंखार दरिंदों से बच जाएं तो बढ़ेंगी बेटियां। महिला सुरक्षा की बात करने वाली तंजीमें आज कहां गायब हो गई हैं, उनका कुछ पता नहीं। देश में बेटियों की सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज कहीं दिख नहीं रहे। उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया, वो आज सब कहां गायब हो गए हैं। समाज के ये दोनों दरिंदे सतीश कुमार और चंदन कुमार पर प्रशासन भी मेहरबान नजर आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर जो सरकार सत्ता में आई है, आज ये नारा उनके खोखलेपन की वजह से महज चेतावनी बनकर रह गया है। इतना दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन खामोश तमाशाई बना हुआ है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन प्रशासन अभी तक सो रहा है। एक घटना हुआ था वैशाली जिला में, गुलनाज नाम की लड़की का इनके ऊपर किरासन तेल से छिड़क करके इनको आग लगा करके मार दिया गया है। बात करेंगे हम इनसे, क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, कैसे हुआ ये सब, क्या हुआ? ये हमारे लड़की को छेड़खानी किया, हमारी लड़की इनकार कर गई, इसी वजह से मिट्टी तेल छिट करके आग लगाया रोड पर। लड़का का नाम सतीश कुमार राय, उसके पिता का नाम विनय राय, एक लड़का और चंदन कुमार राय, उसके पिताजी का नाम विजय राय। अभी हमको इंसाफ चाहिए। 17 दिन हो चुका, कोई इंसाफ नहीं हुआ। FIR किए, वो सब चप गया, कोई सुनवाई नहीं। हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई नहीं, सिर्फ हम सिलाई खा कर कर बाल बच्चे को पाल रहे हैं। बच्ची मेरी घर पे सिलाई करती थी। मामला ऐसा क्या हुआ, मामला कि वो लोग ऐसे एकाएक कर दिए? वो लड़की से छेड़खानी कर रहा था, नया रोड ढलाई हुआ था, वहाँ पर अड्डेबाजी मार रहा था। मेरी लड़की बोली कि यहाँ पर तुम लोग हम लोग को कुछ बोलो नहीं। वह बोला कि यहाँ पर रोड खरीदे, यहाँ पर होगा, बोलेगी तो मर्डर होगा। इसी पर वह लड़की को आग लगाया गया। 4 महीना शादी को बचा था मेरे बच्ची का,